ये देखिए, हम मिर्ची लाद वाली लेके आए हैं बाजार से अचार के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमें करना होता है कि इसको धूप में थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना होता है। मिर्ची लाल हो हरा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको हल्का सॉफ्ट करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं कि इसमें क्या मसाले डालेंगे और कैसे हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सुखा देते हैं। तो देखिए, हम मिर्ची को रख देते हैं धूप में, और यहीं पे देखिए हम बकला भी सुखा रखे हैं, हम लोग कल साफ किए थे इसको। उधर लहसुन भी सूख रहा है। ये देखिए, जो काला सरसों हम लोग अभी धो के और पसारे हुए थे सूख गया है, तो इसको हम कूट देंगे लाल मिर्च के अचार के लिए। 1 किलो मिर्च में 1 किलो लगभग सरसों लगता है। आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल के भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरसों को खलबट्टे में या इमाम दस्ते में इसको कूट देंगे। आप बाज़ार से भी ये सरसों का पाउडर मिलता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसको सरसों अगर आपके पास साबुत है तो आप मिक्सी जार में ही पीस सकते हैं इसको। एक बार कूटने में कम से कम 10 मिनट के करीब लगता है, और इसको छानते जाएंगे, जो मोटा रहेगा उसको छान के फिर दोबारा हम इमाम दस्ते में कूट देंगे। और जो जो मोटा बचेगा फिर इसको भी कूट देंगे। सरसों को हम खलबट्टे में कूट दिए हैं और छान लिए हैं, अब चूल्हा जला देते हैं। ये देखिए, तवा रखे हैं, इस पर मेथी को हमें रोस्ट करना है। तो ये 4 टेबल स्पून मेथी दाना है, इसको ज़्यादा नहीं, हमें 2 मिनट रोस्ट करना है। जब चटकने की थोड़ी सी आवाज़ आने लगे तो हम चूल्हा का फ्लेम बंद कर देंगे, यानी कि चूल्हा में लकड़ी लगाना बंद कर देंगे हम। और यहीं पे हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब सौंफ। चूल्हा बंद कर दिए हैं अब, और इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे मेथी के साथ। अब इसको निकाल लेते हैं। मेथी को और सौंफ को थोड़ा हल्का सा रोस्ट किए थे, तो सारे को हम डाल देते हैं पीसने के लिए, और थोड़ा सा हम बचा देंगे इतना साबुत डालने के लिए, और इसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे। इसको बारीक नहीं करना है, दरदरा रहेगा ये। इसको इसी प्लेट में निकाल देते हैं, और इस तरह से रोस्ट करके डालने पे अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इस वजह से हम इसको भून के और क्रश किए हैं। ये देखिए, धनिया पाउडर है, तो धनिया पाउडर को हम 4 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। 1, 2, 3 और 4। यहीं पे हम डालेंगे लाल मिर्चा, ये भी 4 टेबल स्पून डालेंगे। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच में ठीक होगा। यहीं पे हल्दी हम 3 चम्मच डालेंगे, यानी कि 3 टेबल स्पून। यहीं पे हम नमक डालेंगे 3 टेबल स्पून, और यहीं पे हम खटाई है या आमचूर पाउडर भी इसको बोलते हैं, 100 ग्राम डालेंगे। और यहीं पे क्रश किया हुआ मेथी और सौंफ डाल देते हैं। यहीं पे 1 टेबल स्पून हम काला जीरा या मंगरेल बोलते हैं इसको डाल देते हैं। यहीं पे हम डालेंगे सरसों का तेल,
इतना हमें सरसों का तेल डालना है ताकि इसकी बाइंडिंग इस तरह से हो सके कि हम अचार में आराम से भर सकें। आप सारे दोस्तों का बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है कि आप तेल गरम करके डाले हैं या ठंडा तेल डाले हैं, तो गरम तेल करके उसी को डालना है जो घर पे आप सरसों से तेल निकलवाते हैं, और ये मार्केट का बना हुआ तेल फिल्टर होता है, तो इस वजह से इस तेल को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और घर पे जो सरसों पिरवा के आप तेल डालते हैं उसको गर्म करने की ज़रूरत होती है। तो यहीं पे हम 250 ग्राम सरसों का तेल डाल देंगे, इसको मिला देते हैं। इसको चम्मच से मिलाया नहीं बनता है, इस वजह से हम इसको हाथ से मिलाएंगे। मसाले को हम बढ़िया तरह मिला दिए हैं, और इसमें इस हिसाब से तेल डालना है कि तेल ज़्यादा भी नहीं हो, क्योंकि जब आप मिर्चा में भरेंगे और बोयाम में रखेंगे तो उस समय तेल अब्जॉर्ब नहीं होता है, इस वजह से हम इसमें एकदम भरभरा टाइप का रखेंगे, और इस तरह का रखेंगे कि ऐसे बांधेंगे तो बांध जाए, इससे ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मिक्सर तैयार हो गया है, अब इसको हम थोड़ा चेक करके देखते हैं कि इसमें नमक ठीक है कि नहीं। नमक कम है इसमें, तो इसमें 1 टेबल स्पून और नमक डाल देते हैं हम। इस मिर्ची को हम लोग पूरा एक दिन धो के सुखा लिए हैं, अब मिर्ची एक दे देते हैं हम, और इसके डंठल के तरफ से हम थोड़ा सा काटेंगे इतना, और इसमें हम एक चाकू लगाएंगे, पतला चाकू हो या चम्मच, इसमें एक तरह से एक बार लेके और घुमा दें इस तरह से चारों तरफ से, और जो भी इसमें का बीज हो वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सारा बीज निकल गया, ये देखिए ये इसी तरह से सारा हम खाली कर देंगे। एक मिर्ची और हम काट देते हैं डंठल की तरफ से, और देखिए इसमें बीज है, तो इसमें हम चम्मच की सहायता से इसका बीज और गुद्दा निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे चम्मच ले लेंगे और एक बार मिर्ची को घुमा देंगे इस तरह से, और मिर्ची घुमाते ही इसका गुद्दा ये देखिए निकल जाता है, तो गुद्दा को हम इसी में डाल देंगे, और जो इसमें बीज होगा इसको भी हम इस तरह से एक बार मिर्ची को घुमाते हुए और झाड़ देंगे। देखिए मिर्ची ज़्यादा का बीज नहीं है, और देखिए बिल्कुल ही खाली है। इसी तरह से हम सारा मिर्ची को काट देंगे, और इस मिर्ची के अचार को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर घर में 2-3 आदमी हो तो आप इसको आराम से, एक आदमी काट दिया, एक आदमी साफ कर दिया, एक आदमी भर दिया। और इस मिर्ची का सबसे, इस अचार का और मिर्ची के अचार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको 2-3 साल तक स्टोर करके और रख सकते हैं, तो वो भी हम आपको तरीका बताएंगे इसी वीडियो में। इसको हम भरेंगे इस तरह से, और एक लकड़ दे देंगे, देखिए ऐसे, इसको इस तरह से दबा दबा के हम भरेंगे। इस तरह से हम भर भर के एक ट्रे में रखते जाएंगे, फिर दोबारा हम भरेंगे, और एक लकड़ की सहायता से इसी तरह से हम सारा मिर्ची का अचार को भर देंगे। जिस तरीका से हम आपको बताए हैं अचार भरना ये वाला, वो तरीका तो एकदम सही है, और उसमें है कि मसाला बाहर गिरता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा भरने में दिक्कत होता है। और ये वाला तरीका है इसको बीच से कट लगाने के, ये देखिए बीच से हम कट लगा देंगे ऐसे, कट लगाने से इस तरह से करने के बाद तो मसाला तो आराम से जल्दी भर जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब कहीं आप किसी को सर्व करते हैं तो मसाला गिरता है। ये देखिए अभी तो मसाला हमने भर दिया, अब ये सूख भी जाएगा तो ऐसी रहेगा ये, तो जब हम किसी को सर्व करते हैं या बोयाम में रखते हैं तेल डुबा के तो सारा मसाला बिखर जाता है, तो ये मसाला इस तरह से भरने में आसान है लेकिन मसाला गिर जाता है। तो आप यही वाला तरीका आजमाएं जो आपको हमने पहले बताया है, और इसी तरीक़े से हम सारा अचार को पहले भर देते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जो हमने
मिर्चा का डंठल काट रखा है, थोड़ा सा गुद्दा इसमें बचा हुआ है, तो इसको आप चाहें तो पीस के इस मसाले में मिला सकते हैं। अगर नहीं आपको मिलाना है तो इसको सुखा ले, इसको सुखा के और फिर मसाला बना सकते हैं इसका, इसको फेंके नहीं। ये देखिए हमारा मिर्ची का अचार भर के तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसमें हमने लगभग 4 टेबल स्पून के करीब इसमें अजवाइन डाला है, लेकिन आपको हम दिखाना भूल गए हैं, तो आप ज़रूर अजवाइन डालें। और इसको हम दो दिन तक सुखाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक दिन हम पहले ही सुखा लिए हैं, तो इसका स्किन है वो बहुत मतलब हल्का हो गया है, इसकी मोटाई अंदर की, तो इसको और दो दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन सुखाएंगे, और सुखाने के बाद हम किस तरह से इसको सालों साल के लिए स्टोर करेंगे वो तरीका बताएंगे। ये देखिए हम मिर्ची को भर के और इसको 2-3 दिन के लिए सुखा दिए हैं। ये सारा मिर्ची हमारा एकदम बढ़िया से सूख गया है, देख सकते हैं आप। अब इसको हम यहाँ पे 1 लीटर तेल दिए हैं 2 किलो मिर्ची के लिए। ये सरसों का तेल है और ये बाजार का तेल है, इस वजह से इसे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर का तेल देते हैं तो तेल को गर्म कर लें। तो इसको हम इसमें डीप करेंगे और डीप करके ये देखिए कांच का बोयाम है, इसमें हम रखते जाएंगे, इसको डीप करेंगे और इसको रखते जाएंगे। मतलब ऐसे सजा के रखेंगे तो ज़्यादा आएगा और ऐसे डाल देंगे तो कम आएगा इसमें अचार, इसी वजह से हम इसको सजा सजा कर रख रहे हैं। ये देखिए जिधर जिधर गैप है उधर उधर डालते जाएंगे और इसी तरह से पूरा मिर्तवान को भर देंगे। अगर आपका मिर्तवान छोटा पड़ता है तो दूसरा मिर्तवान में भी रख सकते हैं, इससे बड़ा मिर्तवान में भी रख सकते हैं। ये देखिए जी, हम जो बोयाम में अचार रखे हैं डीप करके, उसी में हम तेल इसी में से डाल देंगे, कम से कम 0.5 लीटर के करीब इसमें डाल देंगे। इतने में ये जो बयाम में अचार है वो लगभग 1 किलो है, तो हम 0.5 लीटर तेल डाल दिए हैं। और आपको ज़्यादा दिन तक अगर अचार रखना है तो कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं, वो ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिए इस बयाम में हमने तेल डाल रखा है, तो इसको हमें धूप में ही रखना है, अभी 3-4 दिन तक धूप में इसको सुखाना है इस बयाम समेत। और इसको एक बार ऐसे इस तरह से घुमाते रहें इस तरह से, ताकि ये तेल चारों तरफ घूम जाएगा। ऐसे ढक्कन लगा के आप घुमाएं, वैसे देखिए पूरा चारों तरफ तेल इसमें घूम गया है। तो रोज़ इसको सुखाएं 2-3 दिन तक और रोज़ इसको बयाम को घुमाते रहें कि सारे में तेल जाता रहे। अगर थोड़ा दिन आपको 6 महीना में सारा अचार खा जाना है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो इतना ही प्रोसेस काफ़ी है। लेकिन आपको अगर लंबा 3-4 साल 5 साल तक अगर अचार को रखना है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो स्टोर करना है अचार का वो एक बयाम अलग रखें जो लंबे दिन के लिए रखना है, और जो आपके पास बचा हुआ है या अलग उसको इसी में से अलग रखें थोड़ा सा दूसरे बयाम में, ताकि वो रोज़ रोज़ खाने के लिए हो जाएगा। तो जो थोड़ा सा रहेगा उसमें आप उसे रोज़ रोज़ निकाल के खाएँ, और जो लंबा अचार रखना है उसको आप 3-4 महीना पर जब भी धूप निकलता है तो आप इसको 2-3 दिन जरूर धूप दिखाएं, पूरे साल में 2-3 दिन आपको इसको धूप दिखाना है। और जो छोटा ज़्यादा बयाम आप रखें अपने घर खर्चे के लिए, या इसमें आप जब भी इसमें अचार निकालें दोनों में से किसी में से, तो चम्मच बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ताकि आप अचार को निकालें तो अचार में कोई दिक्कत नहीं आए लंबा समय रखने के लिए। तो जिस तरह से हम मिर्ची का अचार बनाए हैं वो आपको प्रोसेस हम दोबारा एक बार बता देते हैं। हमने बाज़ार से मिर्ची को ख़रीद कर लाया, उसको धोया, और धो के हमने 2 दिन मिर्ची को सुखाया, धूप तेज है, 2 दिन सुखाया, और सुखाने के बाद हमने मसाला तैयार किया, वो मसाला आपको हम दिखा रखे हैं। उसके बाद हमने जब मिर्ची को सुखाया उसके बाद पीछे से इसका डंठल काट के एकदम थोड़ा सा
जितना में मसाला भरा जा सके। डंठल काट के हटा दिया और उस डंठल को हम सुखा के बाद में मसाला भी पी सकते हैं, और डंठल को अगर तोड़ के ताज़ा में ही तोड़ के आप चाहें तो इस मसाला में भी पी सकते हैं। उसके बाद हमने मसाला जो भरा, तो मिर्ची का अचार में हमने मसाला जो बनाया था वो भर दिया, और भरने के बाद हमने 3 दिन तक धूप में सुखाया उसको। 3 दिन तक धूप में सुखाने के बाद हम लास्ट में तेल में डीप करके मृतवान में जार में भर दिए इसको, और भरने के बाद इसको हमें अभी फिलहाल 3 दिन तक सुखाना है धूप में मृतवान को घुमाते हुए, चारों तरफ तेल सारे मिर्च में जाने लगे। ढक्कन बंद करके घुमाएं आप ताकि तेल बाहर ना गिर जाए, और इसको 3 दिन सुखाने के बाद इसको ढक्कन बंद करके हम रख देंगे, और इसे हमें 4-5 साल तक करना है, अगर स्टोर करना है हमें तो इसको 1 साल में कम से कम 2 बार तो आपको एक एक दिन धूप दिखाना ही है ताकि आपका लंबा समय तक अचार चले। वीडियो पसंद आए हमारी मिर्च के अचार के तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी कौन कौन सी रेसिपी बनवाना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहें, और जो भी आप कमेंट करते हैं उस रेसिपी को हम जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।